पीट पीट कर धारदार हथियार से हमला कर हत्या किया गया है। क्या हथियार से मारा हुआ जो मतलब बेरहमी से पहले पीटा गया है, उसके बाद से दबा हुआ गया है। अभी दो दाग था पीठ पे। अच्छा अच्छा, पिताजी आपके क्या करते थे? आर्मी पोस्ट। अच्छा, आर्मी में थे, उसके बाद से पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे थे आके। जी, इनका भी हाथ हो सकता है? हाँ, हो सकता है, उसके पत्नी का भी हाथ हो सकता है। लेकिन फिर आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के जीवी नगर थाना क्षेत्र के सरैया गाँव में पहुंचे हुए हैं, जहाँ अशोक कुमार यादव जी का घर यही है और कल उनकी बॉडी मिली हुई है, यानी उनकी हत्या कर दी गई थी। दो रोज से लापता थे और उनका कल बॉडी बरामद हुआ, अंतिम संस्कार हो गया। उनके घर पे पहुंचे हुए तमाम उनके परिजन है, रिलेशन के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले घर दिखा दे कि यही सरैया गांव है, उनका अशोक यादव जी थे जो आर्मी से रिटायर करके आए हुए थे, उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रहे थे। उनके पुत्र मेरे साथ मौजूद है, पूरी घटना क्या कुछ घटी हुई है और क्या कुछ कब से लापता थे बताइए तो, कब से लापता थे जी? वो 21 को सुबह 6 बजे से लापता थे। अच्छा, और 21 को सुबह 6 बजे से लापता थे और 10 बजे के बाद से यहाँ गांव पे लोग खोजना शुरू किया। अच्छा, शाम तक हो गया, नहीं पता चला। मैं अभी दिल्ली में था, वहाँ 3-4 बजे करीब हमें पता चला कि आपके पिताजी लापता है। हाँ, लापता है। ठीक, तो वहाँ से हम रात में वैशाली पकड़ के और उसके बाद आए यहाँ। यहाँ आए तो यहाँ बहुत लोग, इधर जो भी मतलब गांव आस पास चारों तरफ ढूंढ लिया गया, अपने तरफ से ढूंढ रहा था, बहुत लोग ढूंढ रहा था, पूरे गांव का भी सपोर्ट था। जी जी, ठीक है। ऑफिस में भी वहाँ सब कोई स्टाफ उटाफ सब कोई पता, अपने जिसको जहाँ लग रहा था उसके अनुसार पता कर रहा था। जी, उसके बाद हम यहाँ आए तो उसके बाद थाने में जा करके आवेदन दिए लो 11 बजे करीब में। जी, वहाँ थाना पर जब आवेदन दिए लो, उसके बाद पुलिस मतलब अपना कार्रवाई शुरू की आगे की। उसके बाद पुलिस भी छानबीन कर रही थी और उसके जो एक चाचोपाली के बगल में दीक्षितपुर है, वहाँ के किशोरी शाह एक है, तो उसके पास ये हमेशा जाया आया करते थे। तो किशोरी शाह पर हमें डाउट था, शक के आधार पर हमने इंस्पेक्टर साहब को बोला भी कि इसको उठाइए पहले। जी, जी। इसके पास डेली जाते थे, उस दिन नहीं गए, थोड़ा हमको डाउट लगा। अच्छा, उनके घर पर डेली जाते थे? डेली जाते थे। अच्छा, तो हम लोग उनके पास मतलब गए लोग वहाँ रेड परवाए उसके घर पर, तब तक वो घर छोड़ के फरार हो गया। ठीक, तो उस पर और शक गहराते गया, जिसके चलते वो थाना वगैरह डेली मतलब रेड कर रहा था चारों बगल, बट मिल नहीं रहा था। जी जी, और 22 को कल सुबह में थाना उसको मतलब अब ये नहीं पता चला कहाँ से मतलब बरामद किया, लेकिन उसको उठाया कल सुबह में, पता पकड़ा उसको, पकड़ के उसके बाद उससे पूछताछ की। पूछताछ में वो बताया कि पूछताछ में बहुत देर टॉर्चर होने के बाद कुछ नहीं बता भी नहीं रहा था, मतलब लास्ट में इमोशनल ब्लैकमेल के चलते वो आया। उसके बाद उसको बताया कि हाँ इसको मतलब वो ये नहीं बताया कि क्लियर हम मार के फेंके, वो बोल रहा है कि मेरे द्वार पर डेड बॉडी में थे तो हम उसको लेके वहाँ हटा दिए। अच्छा, मतलब 3 दिन बाद सुराग मिला। हाँ, लेकिन इसमें हमको यही थोड़ा दिक्कत है कि मतलब वो एक आदमी कैसे काम हो नहीं सकता। हाँ, अकेले तो हत्या हो नहीं सकता, अकेले ये हो नहीं सकता। अच्छा, पोस्टमार्टम कराने गए थे तो शरीर पे निशान भी था क्या? हाँ, ये लेफ्ट साइड में कटा हुआ कई कान के पास से। जी जी, मतलब कुछ धारदार गहरा हथियार से मारा हुआ जो मतलब बेरहमी से पहले पीटा गया है, उसके बाद से दबा हुआ गया। पीठ पे भी दो दाग था पीठ पे। अच्छा अच्छा, पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी हमारे सिवान हेड पोस्ट ऑफिस में कैश ओवर थे, इसके पहले एपीएस में थे, आर्मी पोस्ट ऑफिस। अच्छा, आर्मी में थे, उसके बाद से पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे थे आके। जी। अच्छा, क्या नाम था पिताजी का? नाम श्री अशोक कुमार। आप उनके पुत्र हुए? हाँ। देखिए, आर्मी के लोग हेल्दी होते हैं, हेल्दी होंगे तभी उनका ज्वाइनिंग हुआ होगा, अकेले तो उनकी हत्या हो नहीं सकती होगी। नहीं हो सकती है, लेकिन आर्मी से क्योंकि बहुत पहले आज करीब 1500 साल पहले थे। जी जी। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस तो अकेले तो हत्या नहीं हो सकती? नहीं, नहीं हो सकती है, कितना भी कमजोर होंगे तो अकेले नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, उसके साथ एक दो और आदमी होंगे। कौन है इसकी खुलासा नहीं हुई? इसकी खुलासा नहीं। क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? प्रशासन ये उसका नाम का खुलासा हो, इसकी उचित सजा मिले। कौन लोग शामिल है? हाँ, कौन लोग शामिल है, कौन कौन शामिल है? अशोक जी के मित्र है, कैसे आदमी थे अशोक जी? अशोक जी तो बहुत अच्छे आदमी थे जी, साथ में जॉब करते थे, बहुत अच्छे थे। ना उसे अशोक जी से किसी को लेना देना नहीं था। जी जी, साफ सुथरा आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे। इसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके पत्नी की भी हुई है क्या गिरफ्तारी? ना, उसके पत्नी गिरफ्तारी नहीं, केवल किशोरी शाह का गिरफ्तारी हुआ। किशोरी शाह का। देखिए, जो किशोरी शाह है बगल के गांव के रहने वाले हैं, शराब कारोबारी भी है, पीट पीट कर धारदार हथियार से हमला कर हत्या किया गया है। क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? प्रशासन से मांग करेंगे कि वो पता करे कि कैसे क्यों मारा गया है, मतलब क्यों मारा गया है, पूरा खुलासा करे और कितने लोग इसमें शामिल है उसको जल्द से जल्द खुलासा करे। सभी लोग आए हुए हैं, तमाम बात करने का और प्रयास करेंगे। क्या कुछ मांग कीजिएगा प्रशासन से? सर, उचित कार्रवाई हो। जी, तो हत्या हो नहीं सकता? नहीं, अकेले नहीं हो सकता है, और 1.5 किलोमीटर उसका जहाँ से मर्डर किया है उसका घर, वहाँ से 1.5 किलोमीटर अकेले ले भी नहीं जा सकता, अकेले ले भी नहीं जा सकता है। जी, है ना। और पत्नी को बुलाया रात में, वो अपने वहाँ पे पत्नी को बुलाया थाना में, पत्नी से पूछा कि कहाँ क्या है,
तब पत्नी से पत्नी का भी हाथ हो सकता है। हाँ, हो सकता है, उसके पत्नी का भी हाथ हो सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब के सामने जब पत्नी को बुला रहा है और पत्नी से राय विचार विमर्श करके कह रहा है कि हाँ हम यहाँ छिपाए हैं, वो हम लोगों से नहीं कह रहा है, थानेदार से कह रहा है। जी जी, तो थानेदार साहब अपन देखें अब पता करें कि काफी सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। देखना यह होगा कि कब तक पूरी हत्याकांड का खुलासा होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में हत्या आम बात हो गई है। दिन हो रात हो, घर पे चढ़ के अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया जा रहा है और पुलिस बस बालू से पैसा वसूलने और शराब ढूंढने में लगी रहती है। लेकिन हालांकि देखना ही होगा जो जीवी नगर थाना में अशोक यादव जी का हत्या जो हुआ है, इसका खुलासा कब तक हो रही है।